कि हर कोई विरोध करता था कि कश्मीर में 370 लागू नहीं हो सकता, अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन सकता। तो आज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बहुत सारे लोगों के लिए खुशी का था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर एक निर्णय जो भारत सरकार के द्वारा लिया जाता है वो सोच समझ कर ही लिया जाता है, और आज सबके लिए खुशी का विषय है कि 370 की जो कलम हटाई गई थी उसके कारण पूरे जम्मू कश्मीर में एक चैन कायम हुआ है, एक शांति कायम हुई है। सुप्रीम कोर्टना मुख्य न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़े आज 370 मामले बात राखी थी। तेमणे कह्युं हतुं के जे केन्द्र सरकार छे एमणे 370 हटावानो निर्णय लीधो हतो, ए निर्णय योग्य हतो, तेमां कोईपण चर्चा करवानी जरूर नथी अने एमां हवे कोईपण सुनावणी करवामां नहीं आवे, कारण के राष्ट्रपति पासे हक छे के 370 जे अमल छे ए पण करावी शके छे अने हटावी पण शके छे। परंतु आ बधा ज मामले ગુજરાતના પાટીદાર નેતા અને વિરમગામના ધારાસભ્ય હાર્દિક પટેલે આજે પોતાની વાત રાખી હતી। તેમણે 370 હટાવવાનો જે નિર્ણય છે એ યોગ્ય ઠેરવ્યો હતો અને આ સિવાય તેમણે બીજી પણ ઘણી બધી વાતો રાખી હતી, સાંભળીએ। કારણ કે ઘણા સમય પછી હાર્દિક પટેલ બોલ્યા છે તો પછી સાંભળવું તો પડશે। સુપ્રીમ કોર્ટને સ્પષ્ટ રૂપે કહા હે કે કોઈ ભી સરકારી નિર્ણય હોતા હે ભારત સરકાર દ્વારા ઉસકા સીધા વિરોધ કરને કે લિયે સુપ્રીમ કોર્ટમે હર મેટર કો લેકર નહીં આના ચાહીએ। સુપ્રીમ કોર્ટને કહા કે हर एक निर्णय जो भारत सरकार के द्वारा लिया जाता है वो सोच समझ कर ही लिया जाता है, और आज सबके लिए खुशी का विषय है कि 370 की जो कलम हटाई गई थी उसके कारण पूरे जम्मू कश्मीर में एक चैन कायम हुआ है, एक शांति कायम हुई है। तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारे लोगों को ये थप्पड़ पड़ी है एक रूप से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के कारण, कि हर कोई विरोध करता था कि कश्मीर में 370 लागू नहीं हो सकता, अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन सकता। तो आज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बहुत सारे लोगों के लिए खुशी का दिन। जो तमने अमारा वीडियो पसंद आता हो तो पछी अमारी चैनल ने लाइक करो, शेयर करो और वधुमां वधु लोको सुधी पहोंचाड़ो। धन्यवाद।